फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशल्या आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 महीने के बाद बच्चों के लिए आहार के बारे में। दोस्तों, जो 6 मंथ बेबी हो जाते हैं उनको क्या फूड आइटम देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कौन सी डाइट है जो आपके बेबी के लिए हेल्दी रहेगी, दोस्तों इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों बच्चे के 6 महीने होने के बाद हर माँ बच्चे को अपने दूध, माँ के दूध कराने के साथ ही कुछ आहार भी खिलाना चाहती है। वास्तव में ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चा दूध के अलावा किसी अन्य आहार का पहले बार स्वाद चखता है, लेकिन ज़्यादातर माओं को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती। दोस्तों, कि 6 महीने के होने के बाद आखिर बच्चों को किस तरह का फूड, दोस्तों ज़्यादातर माओं को इस बारे में सही जानकारी नहीं होती कि 6 महीने होने के बाद आखिर बच्चे को किस तरह का आहार देना चाहिए। जानकारी के अभाव में ज़्यादातर माँ अपने बच्चों को ऐसा आहार खिला देती हैं जो कभी कभी बच्चों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आपको अपने 6 मंथ के बेबी, 6 मंथ होने के बाद बेबी को कौन से फूड आइटम्स देना है, कौन सा आहार। पूरी डाइट चार्ट हम आपको बताएंगे वीकेंड की। दोस्तों, पूरे साप्ताहिक डाइट चार्ट बताएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपके बेबी को कब आपको खिलाना है, उसको अपना दूध कब पिलाना है और कब उसको सुलाना है, उसके पूरे डेली रूटीन के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड और नई नई जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चा 6 महीने तक केवल माँ के दूध से ही सभी पोषक तत्व को प्राप्त करता है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को अन्य खाद्य पदार्थ देना शुरू किया जाता है। अन्य फूड आइटम बच्चे के शारीरिक विकास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने बच्चे को उपहार का आहार देना हर माँ के लिए एक उत्सुकता भरा पल होता है, लेकिन उनको इस दौरान बच्चे के द्वारा ऊपर के आहार यानी फूड को पसंद करने या ना करने के विषय में चिंता भी रहती है। कई महिलाओं को ये मालूम नहीं होता कि बच्चे 6 महीने के होने के बाद उनको जो भी आहार देना है उसे कैसे शुरू करना चाहिए, 6 महीने के बच्चों को क्या क्या खिलाना चाहिए। महिलाओं के सामने आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 महीने के बाद के बच्चों के आहार के चार्ट को हम आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही हम बच्चों को ऊपर से आहार देना कब शुरू करें, 6 महीने के बच्चे को कितनी मात्रा में खाना खिलाना है, 6 महीने की शिशु का आहार, 6 महीने में बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए। दोस्तों, 6 महीने के बच्चे को खाने से एलर्जी होने पर क्या करें, 6 महीने के बच्चे को खिलाते समय बरतने वाली सावधानियों को भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे बच्चे को खाना देना आप कब शुरू करें। दोस्तों शिशु को 6 महीने होने के बाद ही ऊपर का तरल यानी लिक्विड आहार देना चाहिए। बच्चे को 6 महीने का होने से पहले ठोस आहार देने से बच्चे की मां के जो दूध को जो पीना कम कर देता है, दोस्तों मां का दूध पीना कम कर देता है, इस वजह से मां के जो स्तनों का दूध समय से पहले ही सूखने लगता है। इसके साथ ही बच्चे को अपच और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। दोस्तों समय से पहले ही ठोस आहार देने से शिशु में प्रोटीन, फैट, अन्य पोषक तत्वों की कमी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद आहार देना भी ठीक नहीं माना जाता। बच्चे को अधिक समय के बाद ठोस आहार देने से उसको खाने में एवं उसके पेट की संबंधित समस्याएँ व शारीरिक विकास में कमी जैसी कई समस्याएँ हो सकती हैं। दोस्तों 6 महीने का होने पर बच्चा खुद अपने आहार में मां का दूध के अलावा अन्य चीज़ों को शामिल करने के संकेत देना शुरू कर देता है। बच्चे के द्वारा अपने सिर की एक जगह स्थिर रखना, जीभ को बाहर ना निकालना इस बात का संकेत होता है कि आपका शिशु खाने की नई आदतों को सीखने के लिए तैयार है। उसके साथ ही बच्चा अन्य खाद्य पदार्थों को खाने के लिए भी अपनी रुचि प्रकट करने लगता है। ऐसे में बच्चा खाने के अन्य चीज़ों पर ध्यान से देखता है, आपके साथ प्लेट में खाने का प्रयास करता है।
दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 6 महीने के बच्चे को कितनी मात्रा में खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, 6 महीने के बच्चे को शुरुआती दौर में आहार यानी लिक्विड तरल रूप में मात्र 5 से 10 मिलीलीटर या करीब 1 से 2 चम्मच ही देना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे आप बच्चे के खाने की खुराक को बढ़ा सकती हैं। शुरू में यदि आपका बच्चा केवल 1 ही चम्मच ही खाना खाए तो ऐसे में उसको ज़बरदस्ती ज़्यादा ना खिलाएं। 6 महीने का होने के बाद ही बच्चे को मुख्य आहार माँ का दूध या डिब्बे वाला अन्य दूध हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे को तरल या अर्थ तरल फूड आपको देना चाहिए। दोस्तों, अर्थ तरल आहार दिन में 1 ही बार देना शुरू करें। इसके लिए आप नाश्ते या दिन के खाने का समय चुन सकती हैं। एक समय में बच्चे को एक ही खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम देने का प्रयास करें। वही फूड आइटम आप उसको कम से कम 3 दिनों तक देती रहें। इसके साथ ही 6वें महीने में एक बार एक ही फूड आइटम या 2 फूड आइटम को मिलाकर दें। इसके में आपके फूड से संबंधित एलर्जी का पता लग जाएगा। साथ ही बच्चे के लिए भोजन पचाने में भी आसान होगा। बच्चे को ऊपर का फूड देना आसान काम नहीं है। इस दौरान आपको कई तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान देना होता है कि खाते समय बच्चे का दम ना घुटे या आहार बच्चे के पेट को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए ध्यान दें बच्चे के लिए तैयार खाना में कोई गांठ ना हो, इससे बच्चे के लिए भोजन निकलना आसान हो। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे 6 महीने के बच्चे के लिए आहार चार्ट। दोस्तों, सबसे पहले 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाने के लिए आप एक चार्ट तैयार करें। इसके द्वारा बच्चे को पूर्ण पोषण प्रदान किया जा सकता है। आपकी मदद के लिए हम आपको एक डाइट चार्ट बता रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे की यानी सोमवार की। उठने के बाद सबसे पहले आप अपना दूध पिलाएं या फिर डिब्बे वाला दूध दे सकती हैं सबसे पहले उठने के बाद बच्चे को। दोस्तों, नाश्ते में आपको शक्करकंदी की प्यूरी देनी है। बच्चे को नाश्ते में आप शक्करकंदी की प्यूरी बना के दे सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको माँ का दूध देना है दोस्तों, और फिर बच्चे को हल्की नींद, बच्चे का सोने का टाइम हो गया है। दोस्तों, अब दोपहर के आहार में मूंग दाल का सूप देना है बच्चे को। आपको दोपहर में मूंग दाल का सूप, फिर दोपहर के बाद उसका सोने का टाइम हो गया दोस्तों, आप उसको सुला दें। दोस्तों, शाम के आहार में माँ का दूध दें या फिर डिब्बे वाला दूध दे सकते हैं। और रात के आहार में आपको माँ का दूध ही देना है और डिब्बे वाला आहार। ये हो गया सोमवार का डाइट बेबी के लिए। दोस्तों, अब बात होती है मंगलवार की। उठने के बाद माँ का दूध देना है या फिर डिब्बे वाला दूध दे सकते हैं आप। और नाश्ते में आपको देना है मेश किया हुआ सेब यानी सेब का स्टू, आपको नाश्ते में बेबी को देना है। और दोपहर के आहार में आपको दाल का पानी देना है बेबी को दोस्तों। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद बेबी के सोने का टाइम हो गया है तो आपको उसको सुला देना है दोस्तों। अब आपको शाम के आहार में आपको फिर से माँ का दूध देना है और डिब्बे वाला, या तो डिब्बे वाला दूध दे सकते हो आप। और रात के आहार में माँ का दूध ही देना है और या फिर डिब्बे वाला दूध। ये आपका मंगलवार का हो गया ट्यूसडे का। अब बात करेंगे वेडनेसडे यानी बुधवार की। उठने के बाद बच्चे को माँ का दूध देना है या फिर डिब्बे वाला दूध। फिर नाश्ते में आपको देनी है फलों की प्यूरी, आपको फलों की प्यूरी देनी है नाश्ते में बच्चे को। उसके बाद नाश्ते के बाद आपको सोने का टाइम हो गया है बच्चे का, आप माँ के दूध के साथ आप उसको हल्की नींद देनी है। उसके बाद दोपहर के आहार में मसला हुआ चावल देना है आपको वेडनेसडे में बुधवार को, मसला हुआ चावल। और दोपहर के खाने के बाद उसके सोने का टाइम हो गया, आप उसको सुला दें। दोस्तों, शाम के आहार में माँ का दूध देना है और या तो डिब्बे वाला दूध आप दे सकते हैं, ये शाम का आहार है। और रात के आहार में भी माँ का दूध और डिब्बे वाला दूध, ये आपको बुधवार की बेबी की डाइट हो गई है दोस्तों। अब बात होती है गुरुवार यानी थर्सडे की। उठने के बाद आपको माँ का दूध देना है या फिर डिब्बे वाला दूध देना है। नाश्ते में आपको मसला हुआ केला देना है, ये आपको थर्सडे में बेबी को देना है मसला हुआ केला। नाश्ते के बाद आपको बेबी को सुला देना है, माँ के दूध के बाद बच्चे को आप सुला दीजिए। दोपहर के आहार में आपको अरहर दाल का सूप देना है। तूर दाल का सूप आपको दिन के खाने में बेबी को देना है। दोपहर के खाने के बाद उसके सोने का टाइम हो गया है, अब आपको उसको सुला देना है। शाम के नाश्ते की बात करें तो माँ का दूध या फिर डिब्बे वाला दूध आप शाम के नाश्ते में दे सकती हैं। अब रात के आहार में भी आपको माँ का दूध देना है या फिर डिब्बे वाला दूध। 6 महीने के बच्चे के लिए दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुक्रवार की बात करें, उठने के बाद माँ का दूध या डिब्बे वाले दूध, दूध सबसे बड़ा पोषक तत्व होता है बेबी के लिए। दोस्तों, नाश्ते में गाजर की प्यूरी देनी है आपको।
उसके बाद उसके सोने का वक्त हो गया, नाश्ते के बाद सोने का समय है, उसके बाद आप उसको सुला दें। दोपहर के आहार में आपको मेश किया हुआ केला देना है दोस्तों, मेश किया हुआ केला दें। फिर दोपहर के खाने के बाद उसका बेबी का सोने का टाइम हो गया, आप उसको सुला दें। और बात अब करें शाम के नाश्ते की, तो माँ का दूध दें या फिर डिब्बे वाला दूध आपको बेबी को शाम के नाश्ते में देना है, और रात के आहार में आपको माँ का दूध या फिर डिब्बे वाला दूध देना है। ये हो गया दोस्तों इस। अब हम बात करेंगे शनिवार की, सैटरडे की। उठने के बाद माँ का दूध देना है, फिर डिब्बे वाला दूध देना है, या तो आप माँ का दूध दें या डिब्बे वाला दूध। नाश्ते में मसला हुआ केला देना है आपको, ये आपको नाश्ते में देना है। नाश्ते के बाद हल्की नींद बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, माँ के दूध के बाद आप उसको हल्की नींद सुला दें। दोपहर के आहार में आपको चावल का दलिया देना है दोस्तों, आपको दोपहर के आहार में चावल का दलिया। और शाम के नाश्ते में माँ के दूध और डिब्बे वाला या डिब्बे वाला दूध दे सकते हो, जो भी आप देना चाहें। फिर रात के आहार में माँ का दूध देना दें या फिर डिब्बे वाला दूध। ये हो गया सैटरडे की डाइट। अब बात करेंगे हम रविवार यानी संडे की। तो सो उठने के बाद माँ का दूध दें, जो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, या फिर डिब्बे वाले दूध। और नाश्ते में आपको उबला हुआ मसला हुआ आलू देना है बच्चे को, ये आपको नाश्ते में देना है। नाश्ते के बाद फिर बच्चे का सोने का टाइम हो गया, माँ के दूध के साथ उसको हल्की नींद दें। उसके बाद दोपहर के आहार में आपको मूंग दाल का सूप देना है रविवार के दिन यानी संडे के दिन, उसको मूंग दाल का सूप। उसके बाद सोने का वक्त हो गया है, आप उसको दोपहर के खाने के बाद सुला दें। शाम के नाश्ते में दोस्तों माँ का दूध दें या फिर डिब्बे वाला दूध, जो भी आप बेबी को देती हैं। और रात के आहार में भी माँ का दूध या फिर डिब्बे वाला दूध। ये हो गया हमारे वीकेंड की डाइट चार्ट बेबी के लिए दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि 6 महीने के बच्चों को क्या खिलाने चाहिए, इनकी रेसिपी हम आपको बताएंगे दोस्तों। 6 महीने के बच्चों के लिए दिए जाने वाले कुछ मुख्य फूड आहार हम आपको कैसे तैयार करना है उसकी रेसिपी बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले सेब का स्टू, इसके लिए आपको चाहिए सेब पानी। सेब के छिलकों को उतार कर उसको काट के टुकड़ों में पानी में उबालने के लिए पानी में डाल दें। सेब को करीब 2 से 3 सीटी आने तक कुकर में पकाएं। अब सेब जब ठंडा हो जाए तो उसको बाहर निकाल के किसी ब्लेंडर या मिक्सर में मेश कर लें। इसके बाद किसी बड़े छेद वाली छलनी में इसको छान लें। मेश किए हुए सेब को छलनी के छानने के बाद ठंडा करने के बाद आप उसकी प्यूरी बच्चे को दें दोस्तों। अगली जो रेसिपी है वो है गाजर की प्यूरी। इसके लिए आपको गाजर और पानी चाहिए। सबसे पहले गाजर को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े काट लें। इसके बाद पैन में पानी को डालकर उबाल लें, इसमें कटी हुई गाजर डाल दें। गाजर को पैन में तब तक पकाएं जब तक वो नरम ना हो जाए। नरम होने पर गाजर को थोड़ा ठंडा करें और ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करते हुए प्यूरी बना लें। अगर आवश्यकता हो तो आप इसमें पानी मिला सकती हैं दोस्तों। अगली जो रेसिपी है वो चावल का दलिया। इसमें आपको टूटे चावल लेने हैं, जो 5 से 7 घंटे आप पानी में भिगोकर या पीस लें। करीब 2 कप पानी में पैन में डालकर उबालें इसको। इसके बाद चावल का पेस्ट को इसे धीरे धीरे मिलाएं, फिर चावल को पानी में पकने दें। इसके बाद इसमें या तो माँ का या फिर डिब्बे वाला दूध 2 चम्मच आप मिला सकते हो। तो अगली जो बेबी की रेसिपी है वो है आम की प्यूरी। इसके आपको कैसे बनाना है, आप आम को छीलकर उसका पल्प निकाल लें। इसके बाद पल्प को किसी ब्लेंडर या मिक्सी में मैश कर लें, फिर उसे किसी छलनी में छान लें। इसमें प्राकृतिक शुगर होती है, जो आपके बच्चे को इसे बिना कुछ अन्य चीज़ों के मिलाए भी दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगली जो रेसिपी है वो है केले की प्यूरी, पका हुआ केला। और इसमें आप माँ का दूध या डिब्बे वाला दूध या पानी। इसे बनाने के लिए आप पके हुए केले को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, किसी कटोरे में मैश कर लें। इसमें नरम या मुलायम बनाने के लिए आप मैश किए हुए केले को करीब 30 सेकंड के लिए हल्का सा गर्म कर सकती हैं। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिला लें। दोस्तों अगली रेसिपी है रागी का दलिया। इसके लिए आप रागी का पाउडर या डिब्बे वाला दूध पानी। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले पैन में करीब 3 बड़े चम्मच रागी का पाउडर डाल दें। इसके बाद इसे धीरे धीरे 1 कप पानी मिलाएं। रागी का पाउडर गैस पर कुछ मिनटों के लिए पकने दें। रागी को लगातार चलाते रहें ताकि इसमें गांठें ना पड़ें। फिर इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इसमें ज़रूरत के अनुसार डिब्बे वाला दूध मिला दें। दोस्तों मीठे के लिए इसमें आप मसला हुआ केला डाल सकती हैं। दोस्तों अगली जो रेसिपी है वो है मूंग दाल का सूप। इसके लिए आपको बिना छिलके वाली मूंग दाल लेंगे, जो 5 से 7 घंटे भीगी हुई हो, और पानी और 1 चुटकी नमक। करीब 1 मुट्ठी दाल को 1.5 कप पानी में 1 चुटकी नमक डालकर कुकर में 2 से 3 सीटी लगाएं। फिर प्रेशर निकलने के बाद अच्छे से मैश करें, बच्चे को खिलाएं। आवश्यकता हो तो पानी मिलाकर दाल को पतला कर सकती हैं आप।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि 6 महीने के बच्चे को खाने से एलर्जी होने पे क्या करें, व्हाट शुड बी डू फॉर फूड एलर्जी। दोस्तों कई बार बच्चे को खाने से एलर्जी हो जाती है। खाने से एलर्जी होने पर बच्चों को दस्त, उल्टी, रैशेस, कब्ज़ और पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। यदि आप बच्चे में एलर्जी के लक्षण देखें तो कुछ समय के लिए उसे आप कोई भी आहार न दें। खाने के कुछ मिनटों या घंटों के बाद बच्चों में एलर्जी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर बच्चे को गंभीर रूप से एलर्जी हो तो इस स्थिति में आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। यदि किसी विशेष तरह के फूड आइटम या खाद्य पदार्थ से बच्चे को एलर्जी हो तो उसे आप बच्चे को दोबारा ना दें। कुछ महीनों के बाद डॉक्टर की सलाह के बाद बच्चे को वो खाद या फूड प्रोडक्ट दोबारा देना शुरू करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि 6 महीने के बच्चे को खाना खिलाते समय बरते जाने वाली सावधानियां कौन सी हैं। दोस्तों बच्चे को ऊपर से जो भी आप फूड आइटम या आहार देना माँ के लिए बहुत ही कठिन काम होता है। इस समय बच्चा खाना सीख रहा होता है। इसमें माँ को बच्चे को खाना खिलाते समय कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इस समय बरते जाने वाली सावधानियों को हम डिटेल में बताते हैं। दोस्तों बच्चों को धीरे धीरे खाना खिलाना शुरू करें। शुरू में बच्चे को 1 या 2 चम्मच ही खाना दें। जब बच्चे को खाने का स्वाद पसंद आए तो आप उसको ज़्यादा भी दे सकती हैं। एक समय में एक ही तरह का फूड बच्चों को दें। इसके बाद बच्चे की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करें। दोस्तों आपको पता करना होगा कि बच्चे को कौन से फूड आइटम में दिलचस्पी है, इससे पहले आप किसी और फूड आइटम को बच्चे को ना दें। दोस्तों बच्चे को कोई नया आहार देते समय 3 दिन का नियम का पालन करें। इससे बच्चे को एक ही फूड आइटम को 3 दिनों तक दिया जाता है। खाने से होने वाली एलर्जी को जांचने के लिए ऐसा किया जाता है। 1 साल का होने तक बच्चे को गाय का दूध ना दें। साथ ही बच्चे को शहद भी नहीं देना चाहिए क्योंकि कई बार ये विषाक्त का कारण बन जाता है। दोस्तों बच्चे को मेश किए हुए फल ही दें क्योंकि कटे हुए फल को खाने से बच्चे का दम घुट सकता है। बच्चे को किसी शांत व अच्छी जगह खाना खिलाएं। बच्चे को प्लास्टिक के बर्तन की जगह स्टील या कांच के बर्तन में ही खाना खिलाएं। 6 महीने के बच्चे को घर का बना हुआ ही खाना खिलाएं क्योंकि इस समय बच्चे में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही होती है। बच्चे को रेडी टू ईट जैसी चीज़ें ना दें जैसे कॉर्नफ्लेक्स, मूसली आदि। बच्चे को आहार में मसाले बिल्कुल भी न दें। मीठे में चीनी की जगह फलों का यूज़ कर सकते हैं। नमक की मात्रा काफ़ी कम रखें। दोस्तों ये था हमारा 6 महीने के बाद बच्चे का आहार चार्ट क्या होना चाहिए। हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।